शहीद अब्दुल हमीद को श्रद्धांजलि देने गाजीपुर जाएंगे आर्मी चीफ। आर्मी चीफ जनरल विपिन रावत रविवार 10 दिसंबर को एक दिन के लिए यूपी के गाजीपुर जाएंगे। जनरल रावत गाजीपुर में 1965 की लड़ाई में शहीद परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद को श्रद्धांजलि देंगे। शहीद परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद को पत्नी की वृद्धावस्था को देखते हुए जनरल रावत ने खुद गाजीपुर जाने का फैसला किया। दिल्ली से चलकर आर्मी चीफ जनरल विपिन रावत 11 बजे वाराणसी के बागावतपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां वे सड़क मार्ग से शहीद अब्दुल हामिद के पैतृक गांव गाजीपुर जाएंगे। जिला प्रशासन ने आर्मी चीफ जनरल विपिन रावत की सुरक्षा के तहत रूट तय किया था। बता दें कि आर्मी चीफ बनने के बाद शहीद की धर्मपत्नी रसूल बीवी आर्मी चीफ रावत से मिली थी और ये निवेदन किया था कि उनके जीते जी वो एक बार शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके मेमोरियल आए। हर साल 10 दिसंबर को शहीद अब्दुल हमीद का परिवार उनके लिए एक सभा का आयोजन करता है। 1965 की जंग में क्वार्टर हवलदार अब्दुल हमीद को साहस का प्रदर्शन करते हुए वीर गति प्राप्त हुई थी। इसके लिए उन्हें मरणोपरांत भारत का सर्वोच्च सेना पुरस्कार परमवीर चक्र प्रदान किया था। वहीं 10 दिसंबर 1965 को जब पाकिस्तान सेना अमृतसर को घेर कर उनके अपने नियंत्रण में लेने को तैयार थी, अपने प्राणों की चिंता न करते हुए अब्दुल हमीद ने अपनी तोप युक्त जीप को टीले के समीप खड़ा किया और गोले बरसाते हुए शत्रुओं के कई टैंक ध्वस्त कर दिए थे।